मुंगेर में बीती रात अस्पताल के एक सीरे रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची अग्निशामक की टीम ने आग पर काबू पाया। दरअसल मुंगेर में बीती रात अस्पताल के एक सीरे रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। अग्निशामक दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह हादसा रात के 2 बजे हुआ। उस वक्त अचानक से अस्पताल की बिजली चली गई और जब बिजली आई तो एक सीरे रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे एक्सीरे रूम में रखे एक्सीरे मशीन और उस रूम में रखे अन्य बिजली से चलित सामान आग के चपेट में आ गया और देखते ही देखते इतनी भयावह हो गया कि उसको बुझाने के लिए अग्निशामक दल को बुलाना पड़ा। इस शॉर्ट सर्किट से एक्सीरे मशीन को पावर सप्लाई करने वाला यूनिट सहित एक्सीरे रूम में वायरिंग आदि कई सामानों को अपने जिद में ले लिया और जलकर खाक हो गया, जिससे कि अस्पताल में एक्सीरे करवाने पहुँच रहे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। में है कि अचानक वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया 2 बजे के लगभग। अच्छा, कहाँ से शॉर्ट सर्किट लगा था? ट्रांसफार्मर पर से। उसके बाद लाइट कट गया था, उसके बाद अचानक आया मेरा मशीन से धुआं देने लगा। कौन से मशीन से? इप्सलॉन का कंपनी का मशीन है। अच्छा, उससे धुआं देने लगा। कौन कौन सा मशीन यहाँ पे जल गया है? यहाँ पे इप्सलॉन का भी जला हुआ है और उसके बाद आया कि फूजी का। हाँ। चेक करेंगे अभी कि क्या नुकसान हुआ है। हाँ। कि नहीं हुआ है। ये क्या काम आता है ये मशीन? ये मशीन है कि कंट्रोल है, जैसे एक्सरे करते हैं उसके पावर लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बिना तो मेरा एक्सरे भी नहीं होगा। क्या क्या जला यहाँ पे? यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन हो गया और उसके बाद मेरा मशीन जो है ट्यूबलाइट पूरा जल गया है, जिससे हम एक्सरे करते हैं। तो रात में कैसे आग पे काबू पाया गया था? वो फायर मैन वाले को कॉल किया गया था। हाँ। तो आधा घंटा बाद आया था। हाँ। तो वो बताया था गार्ड लोग को गए थे बुलाने के लिए। हाँ। वहाँ पे 2 गार्ड थे, एक बिहार पुलिस थे, एक गार्ड थे। और उसके बाद आया कि गार्ड लोग नहीं आए, एक गार्ड मेरे पीछे आए थे। हाँ। और बोलते हैं कि चलिए बुताने के लिए, तो वो बोले कि आते हैं हम और को बुला। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? मेरा 20 से 22 लाख का नुकसान हो गया। क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार हुआ। यहाँ क्या है? एक्सरे टेक्नीशियन।